नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संत रविदास जी के बारे में। तो वैसे तो उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जिनका आज मैं वर्णन नहीं करने वाला हूं। दर्शकों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। गंगा राम नामक एक व्यक्ति होता है, वो अपने पंडित साथियों के साथ गंगा तट पर जा रहा होता है गंगा माता पर स्नान करने के लिए उस टाइम वाराणसी में। और संत रविदास जी जो हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज के वहाँ से जहाँ पे उनकी कुटिया होती है वो वहीं से रास्ता जाता था गंगा माता तक जाने का। तो वो वहाँ से निकलता है और जो गंगा राम होता है पंडित, उसकी चप्पल टूट जाती है बीच रास्ते में। तो अब उसके साथ ही उसको बताते हैं कि यहाँ पे पास में ही रविदास जी हैं, वो उनका काम मोची का है और वो आपकी जो चप्पल है उसको सील देंगे। अब क्या होता है कि जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मुझे वैसे भी चप्पल तो अब जुड़वानी पड़ेगी क्योंकि गंगा तट तक मैं पैदल तो नहीं जा सकता हूँ। तो वे चले जाते हैं सतगुरु रविदास जी के पास। अब क्या होता है कि जैसे ही रविदास जी के पास वो जाते हैं तो रविदास जी को बोलते हैं कि रविदास जी मेरी ये ऐसे करके जूती जो है वो टूट चुकी है, आप इसको कृपया सील दें। तो रविदास जी उनको सील के वो दे देते हैं। तो जो पंडित जी हैं वो उनको बदले में एक दमड़ी दे देते हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि पंडित जी आप मुझे ये बताएं कृपया कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो जो रविदास जी हैं उनके पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि हम गंगा तट पर स्नान के लिए जा रहे हैं, आप क्या हमारे साथ जाना चाहेंगे। तो रविदास जी कहते कि नहीं, आप गंगा माता को मेरी एक भेंट चढ़ा देना, ऐसा कहते हैं रविदास जी। और जो दमड़ी पंडित जी ने रविदास जी को दी होती है वो उसको वापस पंडित जी को दे देते हैं और उनको कहते हैं पंडित जी को कि आप ये दमड़ी गंगा माता को दे देना और यदि गंगा माता जो है वो अपने हाथ से वो दमड़ी का स्वीकार करे तभी आप ये दमड़ी उनको देना, वरना आप वापस ले आना और मुझे दे देना ये दमड़ी। तो जो पंडित जी हैं उन्हें आश्चर्य होता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं रविदास जी, और गंगा माता क्यों हाथ निकाल के दमड़ी लेंगी। लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं गंगा तट पर। अब गंगा तट पर क्या होता है कि जो पंडित जी हैं वो स्नान कर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। उसी समय उनकी जो नज़र है वो चली जाती है, मतलब अंधे हो जाते हैं वो एक तरीके से। अब अंधे हो जाते हैं तो वो गंगा माता से प्रार्थना करते हैं कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई माता कि आपने मुझे अंधा कर दिया। तो गंगा माता ऊपर से आकाशवाणी होती है और गंगा माता उन्हें बताती है कि संत रविदास जी की दमड़ी जो उन्होंने मेरे लिए भेजी थी आप वो मुझे कृपया दे दे। अब पंडित जी जो हैं वो पहले तो माता गंगा से क्षमा मांगते हैं और गंगा माता ने कहते हैं कि उस समय पर जो है खुद हाथों से रविदास जी की दमड़ी का स्वीकार किया। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो दमड़ी दे देते हैं पंडित जी तो गंगा माता एक बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य अनमोल कंगन देती है उस पंडित जी को कि ये जो है कंगन मेरे भक्त रविदास जी को दे देना आप। तो पंडित जी जो है वो जब जा रहा होता है अपने मार्ग में तब वो सोचता है कि ये जो कंगन है ये सतगुरु रविदास जी को देने की क्या ही ज़रूरत है, मैं इसको रख सकता हूँ। वैसे भी रविदास जी को क्या ही पता चलेगा कि कंगन गंगा माता ने दिया था और मैंने उसे रख लिया है। तो अब होता क्या है कि जो कंगन है वो अपने घर लेके चला जाता है। घर लेके जाने के बाद क्या होता है,
वो अपनी जो पत्नी होती है उसको कंगन दे देता है और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये कंगन देखने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य कंगन था वो, क्योंकि गंगा माता ने दिया था। अब क्या होता है कि जो कंगन है वो अपनी सहेलियों को दिखाती है, वो जो उसकी पत्नी होती है गंगा राम की, पंडित जी की, और वो कंगन इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि जो उसका तेज है कंगन का वो महल तक पहुंच जाता है और जो क्या बोलते हैं राजा है उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं से तो ये तेज आ रहा है, क्योंकि महल के पास ही होता है पंडित गंगाराम का घर। तो वो अपने सेनापति से पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है जिसका इतना तेज आ रहा है और वो किसी घर में से आ रहा होता है। तो सेनापति बोलते हैं कि महाराज मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अब वो जो सेनापति है वो उस घर में जाता है जहाँ से वो तेज आ रहा होता है और पंडित गंगाराम को प्रकट करके उससे उसकी पत्नी से कंगन लेके उसे दरबार में ले जाता है। तो वो जब दरबार में जाता है गंगाराम, तो राजा को वो कंगन दे देता है कि ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य कंगन है। और फिर जो है वो चला जाता है और राजा उससे बोलते हैं कि तुम आकर कल अपना इनाम जो है वो ले जाना। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो राजा है वो कंगन अपनी पत्नी को दे देता है, रानी को। अब रानी जो है उसकी एक दासी होती है, तो जब वो रानी अपनी दासी को कंगन दिखाती है तो उसकी दासी का कहती है कि यह कंगन तो बहुत सुंदर है रानी, ये कंगन आपको किसने दिया? तो वो रानी बताती है उसको कि ये कंगन जो है मुझे राजा ने दिया है। अब दासी कहती है तो ये बहुत सुंदर कंगन महारानी, पर इसका दूसरा कंगन कहाँ पे है? तो रानी कहती है कि मुझे तो एक ही कंगन मिला है, दूसरा तो महाराजा ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं कल महाराजा को कहकर दूसरा कंगन भी है वो मंगवा लूँगी। अब उसके आगे क्या होता है कि वो रानी है वो अपने राजा से बोलती है कि ऐसे ऐसे करके बात है, कंगन मुझे दूसरा भी चाहिए। अब राजा जो है वो पंडित गंगाराम को बुलाता है राज दरबार में। तो गंगाराम आता है और वो कहते हैं कि जी महाराज, आपने मुझे कहा था कि कल आना है और अपना इनाम लेके जाना। तो राजा उसको कहते हैं कि तुम अपना इनाम तो ले लेना मुझसे, लेकिन मुझे उसका उस कंगन का दूसरा कंगन भी दे दो और मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम जो है वो दूंगा। अब क्या होता है कि जो ये पंडित गंगाराम होता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये कंगन तो माता गंगा ने दिया था रविदास जी के लिए, जो कि वो खुद ले आया था और उसने राजा को दे दिया। तो कंगन तो एक ही था। अब वो जो है राजा को बताता है कि ये कंगन मुझे गंगा माता ने दिया था और पूरी बात उस राजा को बता देता है। तो राजा उसको कहता है कि या तो मुझे दूसरा कंगन दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा, पंडित जी को कहते हैं राजा। तो राजा जो है वो कहता है ये कंगन तो रविदास जी की वजह से मुझे मिला था और हमें उन्हीं के पास जाना होगा यदि आपको दूसरा कंगन चाहिए। अब जो राजा है वो कहते हैं कि बताओ मुझे रविदास जी कहाँ रहते हैं, और जो पंडित गंगाराम है वो महाराजा को गुरु रविदास जी के पास ले जाता है। अब क्या होता है कि रविदास जी जो है राजा से उनके आने का पहले तो उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं राजा का। तो राजा उन्हें बताता है कि आपके लिए माता गंगा ने कंगन दिया था जो कि पंडित गंगाराम ने खुद रख लिया। तो ये सुनकर जो गुरु रविदास जी होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी। तो महाराजा कहते हैं अब मुझे इस कंगन का
दूसरा कंगन भी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि जो गुरु रविदास जी होते हैं वो अपने शिष्य से कहते हैं कि अंदर ना मेरी एक कटौती पड़ी होगी जिसमें वो चमड़ा धोया करते थे, वो उनको उसको मंगवाते हैं गुरु रविदास जी कि वो कटौती लेके आओ मेरे पास, शिष्य को अपने कहते हैं। तो शिष्य भी कहता है कि ठीक है गुरु रविदास जी, और लेके आ जाता है। अब गुरु रविदास जी एक वाणी का उच्चारण करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और उस कटौती में गंगा माता को प्रकट कर देते हैं। फिर पंडित जी को बोलते हैं कि आपको जितने भी कंगन चाहिए वो उस कटौती में से निकाल लीजिए। तो पंडित गंगाराम ने उस कटौती में से एक ही कंगन जो है वो निकालता है और महाराजा को दे देता है। तो तब से गुरु रविदास जी की जय जयकार राजा ने करवाई, और ये जो वाणी है गुरु रविदास जी की वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अगर किसी का मन साफ हो तो छोटी से छोटी चीज़ में भी गंगा प्रकट की जा सकती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी आपको गुरु रविदास जी के विचारों पर आधारित ये कहानी? और ये कहानी एक सच्ची घटना है। सबसे पहले तो पुराण वर्णन करेंगे एक कहानी का। गुरु रविदास जी और पंडित जी के बीच में एक कहानी हुई थी, वो कहानी मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। और कैसे जो है गुरु रविदास जी ने कटौती में गंगा प्रकट करी थी ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की वाणी में। और आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज की जय हो।